पानीपत शहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद विज को सभी 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। जन आशीर्वाद रैली में उमड़ी भीड़ इस बात की ओर इशारा करती है कि पानीपत शहरी विधानसभा से लगातार प्रमोद विज की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जन आशीर्वाद रैली में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां विकास कार्यों की बात की, वहीं उन्होंने प्रमोद विज की जमकर प्रशंसा भी की, जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत से शहरी क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। वहीं शहरी मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। शहरी सीट को लेकर क्या कुछ लग रहा है? अरे बढ़त है जी, बढ़त है और जीतेगा अपना प्रमोद विज, जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। 370 धारा जमीन के नीचे दबा दी, ये पता होना चाहिए। कांग्रेस के बस का नहीं है तोड़ना, उसने जन्म ही नहीं लिया कभी भी, और सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये हमारे यहाँ किशनपुरे में तार खोल की जो सड़क बनाई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, प्रमोद विज के राज में हुआ है। धन्यवाद। तो बीजेपी गई हो निकाल लेंगे, हाँ टक्कर तो पहलवान दो लोग उठते ही हैं, एक ही जीतता है। हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार। मंत्री हमारे आए, अर्चना बिल्कुल, अर्चना स्टेज पे आए, बिल्कुल आएंगे। इतना बेरानी हम कमल के फूल पर घेरेंगे। कौन है शहरी विधानसभा? ये जो प्रमोद नाम का उठ रहा है, इस पर घेरेंगे। लगना क्या है, बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा? जी जी, यहाँ से कौन खड़े हैं? प्रमोद विज है, निकालेंगे। हाँ हाँ, हम सब साथ हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि जीतेगी बीजेपी ही जीतेगी इस बार, 101%। धन्यवाद करना चाहूंगा प्रमोद विज, प्रमोद विज ही बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, पक्का कहीं जीतेगा, कमल का फूल ही जीतेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और आने वाली 8 तारीख को जो है कमल खिलने वाला है। तो 5 तारीख को क्या कुछ अपील जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पानीपत को, पूरे हरियाणा को अपील करना चाहूंगी, जहां जो जो मेरी बात सुन रहा है, कि सब आने वाली 5 तारीख को अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को, अपने शहर को बचाने के लिए कमल के निशान को वोट दें। मैं अभी पानीपत में, क्योंकि